मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उत्तराखंड सदन नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से चारधाम यात्रा के सुगम संचालन हेतु अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की निरंतर मॉनिटरिंग हेतु ACS आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कमेटी गठन के निर्देश दिए। देहरादून में डिजिटल अरेस्टिंग के जरिए दून निवासी से 1.5 करोड़ रुपये वसूल किए गए। अभियुक्त द्वारा उनके घर पर वीडियो कॉल कर फर्जी पुलिस कमिश्नर बनकर सामने बैठा और मामले को दबाने के एवज में रकम की डिमांड करी, जो कि उनके खातों में डाली गई, जिसके बाद पीड़ित द्वारा STF को इसकी शिकायत की गई, जिसकी जाँच के बाद STF ने राजस्थान कोटा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से डेबिट कार्ड, कई सिम कार्ड्स और फोन बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि इनका मुख्य सरगना दुबई में बैठकर गिरोह को संचालित कर रहा है। इनके द्वारा लगभग 1.13 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और इनको बाद में जब रियलाइज होता है कि इनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आते हैं, यहाँ पर इनका मुकदमा दर्ज करके हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। तो इसमें हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा फर्जी कंपनियां खोलकर उनमें पैसों का लेन देन किया जा रहा था और इस तरह की कॉल्स की जा रही थी। जो गैंग का मुख्य सरगना है वो दुबई से बैठकर इस गैंग को संचालित कर रहा था। इसमें जो हमारी विक्टिम की पैसे गए हैं वो अल्टीमेटली 5th layer में जाकर दुबई में अलग अलग ATM से इसका पैसे का विड्रॉल हुआ है। तो जो मुख्य गैंग था वो दुबई से संचालित हो रहा था और जो इनके इंडियन काउंटर पार्ट से इंडियन सहयोगी थे, इन 3 लोगों को हमारी टीम के द्वारा कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में चारधाम यात्रा की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सबसे अधिक ध्यान सुरक्षित यात्रा पर दिया जाए। यात्रियों को यदि किन्हीं स्थानों पर ठहराया जा रहा है तो वहाँ पर उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। सॉरी, यमुनोत्री धाम में 1,79,932 हमारे तीर्थयात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 1,66,191, केदारनाथ जी में 4,24,242 और बद्रीनाथ जी में 1,96,937, कुल मिलाकर 9,64,302 यात्रियों ने यात्रा अपनी संपादित की कर ली है। और अभी ये पहला पखवाड़ा ही हमारा 15 दिन का चल रहा है, ये 15 दिन कल कंप्लीट होगा हमारा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि पिछले वर्षों के तुलना में हम कंपैरिजन करें तो मोर आर लेस लगभग दुगनी यात्रा इस बार हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। ट्रांजिट कैंप में हर अल्टरनेट डे पर मैं खुद जाता हूँ पर्सनली। हंस फाउंडेशन का वहाँ पर एक लंगर लगातार लोगों की सेवा में लगा हुआ है। हमारे यात्रा ऑफिस की तरफ से भी उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही। हम लोगों ने तो ये भी इनिशिएटिव लिया कि चूँकि संख्या वहाँ पर होल्ड ज़्यादा हो गई थी तो कैंपस के अंदर और ISBT पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स थे उनको भी हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया और कहा कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो और उसका सारा पेमेंट यात्रा जो हमारा चारधाम यात्रा का ऑफिस है उसकी तरफ से किया जाएगा। मई के महीने में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस समय तापमान चल रहा है। गर्मी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण बाजारों में भी दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। व्यापारियों का कहना है कि भीषण गर्मी से व्यापार पर काफ़ी असर पड़ रहा है। दोपहर के समय लोग घरों में कैद हो जाते हैं और बाजार सूने हो जाते हैं, जिससे व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कारोबार पर पूरा पूरा असर है। गर्मी होने के कारण बाज़ार में बिल्कुल भी काम नहीं है। दोपहर को तो बिल्कुल सन्नाटा छाया जाता है बाज़ार में, शाम को थोड़ा बहुत दुकानदारी चलती है, नहीं तो पूरे दिन ऐसा बाज़ार में कोई व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ है। पूरे शहर में प्रचंड गर्मी हो रही है और लगभग 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो इस वजह से जो कारोबार में जो लोग कारोबार व्यापारी को के लिए जो कस्टमर हैं वो बहुत कम हो गए हैं और
कस्टमर कोशिश करता है कि धूप में ना निकलना पड़े। इसमें तो मेन तो अपना कम से कम कोशिश ये करें कि दोपहर के बाद 1 बजे के बाद से 4-5 बजे तक, जब बिल्कुल गर्मी पीक पे होती है, उस टाइम अपने घर से बाहर ना निकलें और बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान पहले चरण में हो गया है। अब उत्तराखंड के नेता अन्य राज्यों में जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने को लेकर जुटे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली से वापस लौटे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा सरकार वापसी कर रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ शपथ लेंगे। जनता ने मन बनाया हुआ है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, और आपके माध्यम से मैं सब जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में इसको चुनाव को एक पर्व के रूप में लिया जाता है, तो अपना वोट डालकर सकारात्मक सरकार चुनने के लिए, मजबूत और सुरक्षित भारत के लिए, सुदृढ़ भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए एक निर्णय लेने वाली सरकार को सकारात्मक अपना वोट देकर के चुनें। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से फर्जीवाड़ा करने वाले टूर ऑपरेटर्स की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक ही दिन में ऋषिकेश में अलग अलग स्टेट के 123 श्रद्धालुओं के साथ रकम ऐड कर रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा किया गया है। ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान यह मामला पकड़ा है। पुलिस ने SSP के निर्देश पर टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। SSP ने श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े से सावधान रहने की अपील की है। रुड़की निवासी एक युवक घर वालों से किसी बात को लेकर कहा सुनी होने के बाद युवक ने रुड़की गंग नहर पहुंचकर नहर में छलांग लगा दी। युवक को नहर में डूबता देख लोगों ने शोर मचाया और मोनू जावीर को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल के बाद नहर में डूब रहे युवक की जान बचाई गई। इसके बाद युवक के परिजनों को सूचना दी गई। युवक के परिजन मौके पर पहुँचे और युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। नदी है वहां से कूद गया आयो, एक टेंशन थी इस बारे कूद गया था, बाकी लोगों ने तब रुक के मचाया, सुलानी पार्क पे आ गया था, तब जहां मैं कूदा है बचा लिया। तो आ रही 15 मिनट लगे इतना बीचम बीच से निकालना, किनारा भारी पड़ गया, पानी रफ्तार बहुत तेज हो रही है, फिर टेंशन थी कुछ। घर वाले आ गए थे तो घर वालों को हवाले कर दे रहे, परिजन थे। 1 घंटे मामला है, 12 बजे करीब तक मामला आयो।